नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। नेहरू सरनेम पर सियासत जारी है, नेहरू सरनेम पर बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार जारी है। पीएम मोदी के नेहरू सरनेम वाले बयान पर अब राहुल गांधी ने पलटवार किया। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे नाम में नेहरू क्यों नहीं, ये पूछकर पीएम मोदी ने मेरा अपमान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे अपमान से सच नहीं छिपेगा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में राज्यसभा में अपने भाषण में कहा था कि उन्हें समझ नहीं आता कि गांधी परिवार में से कोई भी नेहरू सरनेम का इस्तेमाल क्यों नहीं करता। इस टिप्पणी से विवाद हो गया। कांग्रेस ने इस बयान की कड़ी आलोचना की। वही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे का जिक्र करते हुए बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि प्रियंका के बेटे अपना नाम रेहान राजीव गांधी लिखते हैं। उन्होंने कहा अगर प्रियंका वाड्रा के बेटे रेहान अपना नाम रेहान राजीव गांधी लिख सकते हैं तो परिवार में कोई भी नेहरू सरनेम का इस्तेमाल क्यों नहीं करता। शर्म आती है। जबकि आंध्र प्रदेश के बीजेपी नेता विष्णु वर्धन रेड्डी ने ट्वीट किया, कल से कांग्रेसी चिल्ला रहे हैं कि गांधी परिवार अपने पिता के सरनेम का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हम इतिहास को टटोलें तो ये गांधी और गांधी नहीं। इसके अलावा प्रियंका गांधी के बेटे अपने नाना के नाम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, रेहान राजीव गांधी बन गए। इससे एक दिन पहले कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और पूछा था कि भारत में कौन अपने नाना के सरनेम का इस्तेमाल करता है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा था जो इस तरह के जिम्मेदार पद पर बैठा है वो भारत की संस्कृति को जानता समझता नहीं है। आप देश में किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि नाना के सरनेम का इस्तेमाल कौन करता है। तो सवालों की बात की गई, सवालों के जवाब देने थे, लेकिन बात सरनेम तक पहुंच गई। अब इस पर सियासत जारी है। तो दोनों बयान हम आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में क्या कहा था और उसके बाद राहुल गांधी ने क्या कहा है, सुनते हैं। से कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से, क्या शर्मिंदगी है। द सेम टाइम द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इंसल्ट्स मी, ही सेज व्हाई इज योर नेम गांधी एंड नॉट नेहरू। सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री डायरेक्टली इंसल्ट्स मी बट हिज वर्ड्स आर नॉट टेकन ऑफ द रिकॉर्ड, बट इट डज नॉट मैटर बिकॉज द ट्रूथ ऑलवेज कम्स आउट एंड ऑल यू हैड टू डू was look at my face when I was speaking and look at his face while he was speaking, look at how many times he drank water. To nehru surname kyon nahi rakhte hain, is par siyasat ab zoron par hai। Rahul Gandhi ne direct keh diya ki ye to hamara apman hai। Ab siyasat zoron par hai, sawal jawab ka silsila shuru karte hain, jawab talashne ki koshish karte hain, dekh lete hain ki kiska kya kehna hai, kaun apni safai mein kya kehna chahta hai। तीन खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। विजय खेरा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं हमारे साथ, रत्नाकर सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, अमनप्रीत कौर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत करते हैं। विजय खेरा जी, समझना चाहेंगे कि जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है तो उसमें बात सरनेम तक कहां पहुंचती है, ये सही है क्या? आज राहुल गांधी इतने पीड़ा थी उन्हें, वो कह रहे थे हमारा डायरेक्ट अपमान कर दिया, शायद उनको समझ नहीं है प्रधानमंत्री को कि असल में कहां पर क्या इस्तेमाल होता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कोई ऐसी टिप्पणी की ही नहीं है, उन्होंने खाली ये कहा है कि लोग हम पर ये आरोप लगाते हैं कि हम नेहरू को मिस करते हैं, उनको याद नहीं करते हैं, उनको समय पर बोलते नहीं है। मिस उन्होंने बोला है कि जो कहते हैं कि हम नेहरू को मिस करते हैं, उनके लिए कहा कि वो पहले खुद तो नेहरू को याद करें। आप खुद तो कहते हैं कि हम नेहरू के
परिवार के वारिस हैं, उसमें किसी को कोई शक भी नहीं है, है वो। लेकिन सवाल ये है कि वो खुद नेहरू जी का नाम नहीं उपयोग में लाते हैं, सिवाय उसके कि जब दूसरे अगर नहीं ले रहे तो वो उसके आरोप लगाते हैं कि आप क्यों मिस करते हैं, यही बोला उन्होंने। इसमें कोई ऐसा आरोप तो नहीं लगाया कि आप नेहरू नहीं है या आप नेहरू के पुत्र मतलब उनके परिवार के नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, खाली ये बोला है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई उन्हें बुरा मानना चाहिए, जबकि वो न जाने क्या क्या बोल चुके हैं, हमसे आंखें मिलाने में डरते हैं, जरा मिलाएं तो हमसे बहस करने में डरते हैं वो, ठीक असभ्य भाषा तो उन्होंने, मतलब आपको कोई कमी नहीं लगती है उन्होंने ठीक किया है या जो भी बयान दिया उससे आप सहमत हैं? हाँ, उन्होंने उसका उत्तर दिया है जो अक्सर बोलते रहते हैं। ठीक है, रत्नाकर जी क्या दिक्कत हो रही है, वो तो कह रहे हैं कोई गलत काम किया ही नहीं है, ना ऐसा कोई गलत बयानी उन्होंने की है, इसमें राहुल गांधी को इतनी पीड़ा क्यों हो रही है, क्या अपमान कर दिया इसमें? देखिए रविंद्र जी, सदन में जो कार्यवाही चल रही है उस कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उस मुद्दों के ऊपर चर्चा किया जाए। आज देश में इतना बड़ा आर्थिक महाघोटाला हो चुका है और जब विपक्ष मांग कर रही है, 15 पार्टियां मांग कर रही है कि आप अडानी की जो है कंपनियों के ऊपर जांच बिठाई जाए, तो किस तरह से प्रधानमंत्री जो 1.5 घंटे का भाषण देते हैं और सीना ठोक के क्या क्या कह जाते हैं जो एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता, और वो सदन को बरगलाने का काम करते हैं, देश की जनता को बरगलाने का काम करते हैं, लेकिन प्रश्नों के ऊपर कभी नहीं आएंगे। अभी क्या औचित्य है सदन में कि कोई अपना सरनेम नेहरू लगाए या गांधी लगाए, ये तो निजता का प्रश्न हो गया ना। मैं किसी अपने बच्चे का नाम कोई रखूं, उसका सरनेम कुछ रखूं, ये तो मेरा निजी निजता है पूरी तरह से, इस पे किसी की टीका टिप्पणी कोई शोभनीय बात नहीं है। क्यों आखिर में किसी की निजता का उल्लंघन किया जा रहा है? और रही बात, राहुल गांधी जी ने बहुत पहले ही इस पे स्पष्टीकरण दिया है कि अगर राहुल पिता अपने पिता का सरनेम अगर पुत्र लगाता है तो उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, नेहरू से आप इतने डरे क्यों हैं? आज भी आपको नेहरू जी याद आते हैं, आज भी आज जो 9 साल 10 साल जब आपका शासनकाल हो चुका, अपनी नाकामियों का ठीकरा जो है नेहरू के ऊपर फोड़ने का काम करते हैं, आज पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते हैं तो आपके नेता कहते हैं कि नेहरू तो किसी का राष्ट्रीय संघियों से पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, आखिर आप कब तक इस तरह का जो है अनर्गल प्रलाप करते रहेंगे? देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आज आज जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष जो है विपरीत परिस्थितियां खड़ी हो चुकी हैं और वह जवाब नहीं दे पा रहे हैं। राहुल गांधी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, मैं आपको, और उसका उनका डॉक्यूमेंटेशन मांगा जा रहा है, प्रूफ मांगा जा रहा है और सदन की कार्यवाही से उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। अभी आप बताइए, ऑस्ट्रेलिया में जब इनको खदान मिलता है अडानी जी को, तो $1 अरब का जो है उनको लोन दिया जाता है, और 1 अरब का लोन जो दिया गया है वो तो ऑन रिकॉर्ड है बैंक के पास, तो उसको रिकॉर्ड देने की क्या जरूरत है? अभी श्रीलंका में जो एक सार्वजनिक कार्यवाही, आपका कहने का मतलब मूल सवालों से भटक जाते हैं और ऊटपटांग बातें करते हैं, यही कहना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी लोकसभा में एक कोई आंकड़ा देते हैं, राज्यसभा में कुछ आंकड़ा देते हैं, झूठे आंकड़े जो है देश के सामने रखा जाता है। हर घर जल योजना में 11 करोड़ बताते हैं कि राज्यसभा में की 11 करोड़ लाभार्थी है, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो राहुल गांधी की पीड़ा है, कब तक बोलते रहेंगे? कब तक देश के लोगों को झूठ परोसते रहेंगे? आप मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करते हैं और सरनेम के ऊपर चर्चा करते हैं। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। आज सावरकर का नाम क्यों नहीं अपना सरनेम लगाते हैं, ये हम पूछते हैं। चलिए, क्यों नहीं लगाते हैं? आप तो सावरकर का नाम लगा दीजिए, आप तो उनको वीर कहते हैं, क्यों नहीं सावरकर का नाम लगाते हैं? देश के सारे संसाधनों पे आपने अडानी को बिठा दिया है, क्या इंडिया अडानी हो जाएगा? ठीक है, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। विजय खेरा जी, सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। विजय खेरा जी, वो कह रहे हैं जो मूल गंभीर सवाल है कम से कम उसके जवाब तो दे देते, आप सरनेम पर पहुंच गए। खाली देखो, नहीं वो तो अलग बात, हमने आपको स्पष्ट कर दिया है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ना कोई बुराई की बात थी, इतनी सी बात थी कि आप बार बार हमसे तो कहते हैं कि भाई मिस करते हैं, आप नहीं बोलते हैं, आप खुद नहीं लगाते हैं, इसमें कोई बुरा नहीं मानने की बात थी। लेकिन दूसरी बात ये जरूर है, ये बार बार एक रिपोर्ट की बात करते हैं, अडानी की बात करते रहते हैं, जब हिंडनबर्ग में नहीं था तब भी अडानी इनके सिर पर घूस सवार हो रहा था, आज भी हो रहा है। एक बार भी ऐसा कभी नहीं हुआ जिसमें मोदी अडानी के बारे में ये कोई चार्ज लगा सके। एक फैशन बन गया है, जैसे आप पार्टी ने किया था
न्यूयॉर्क टाइम्स में नहीं नहीं चार्ज लगाने की तो बात ही नहीं है। अगर कोई सवाल पूछा जा रहा है तो उसका सीधा सीधा जवाब देने में दिक्कत क्या है? आप नेहरू तक पहुंच जाते हैं, फिर आप गांधी परिवार, फिर पर्सनल अटैक, इस तरह की चीजें वो कहना चाहते हैं, क्यों हो रही है? नेहरू पर इससे नहीं पहुंचने का सवाल था। हाँ। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसके लिए ये बार बार राज्यसभा लोकसभा की कार्यवाही रोकते हैं और शोर मचाते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर बार बार कहते हैं। आप ये बताइए, ये फैशन हो गया है, आप पार्टी ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपवा ली थी प्लांटेड न्यूज, उसके ऊपर शोर मचाना शुरू कर दिया। दिन भर की खबर के ऊपर अगर पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी बैठने लगेगी तो ऐसे रोज छपाओ रोज बिठाओ। अरे आप लाइए नहीं तो उसमें घबराहट क्या? अगर कहीं पर कोई दाल में कुछ काला नहीं तो क्या दिक्कत हो जाए? खैर, अमनप्रीत कौर तो बैठा देनी चाहिए, जांच से पीछे क्या हटना। अमनप्रीत कौर जी, ये जिस तरह की बातें और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल सदन में हो रहा है, क्या आप मानती हैं ये गरिमा के अनुकूल है? रविंदर जी, दो बातें हम यहाँ पे करेंगे। पहली कि श्री नरेंद्र मोदी का ये जो कटाक्ष था, ये जो व्यंग था राहुल गांधी को लेके कि वो नेहरू नहीं लगाते, गांधी लगाते हैं, तो क्योंकि वो एक संविधानिक पद पे हैं और संविधानिक पद की गरिमा को बनाए रखना उनका एकमात्र जो कर्तव्य है वो बनता है, तो ये चीजें उनको शोभा नहीं देती। दूसरी बात हम करेंगे संसद की। संसद जो है लोकतंत्र के हिसाब से एक मंदिर के न्याय पूजा जाता है, तो संसद क्यों है? क्योंकि वहां पे लोकतंत्र में जो लोग हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनका डिस्कशन किया जाता है। मंत्री जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो वहां पे इन बातों का डिस्कशन करते हैं कि कैसे हमारे देश की गरीबी बेरोजगारी दूर करी जाएगी, उनके लिए क्या क्या सोल्यूशन है, उनके लिए क्या क्या एजेंडा हमारी सरकार लेके आई है और सरकार क्या गलत करती है। उसके लिए संसद में ही विपक्ष बैठा होता है कि अगर कोई हमारी सत्ताधारी पार्टी कुछ गलत करती है तो उनको रोका जा सके। तो ये कि संसद जो ऐसे चीजों के डिस्कशन करने की जगह नहीं है, जैसा कि संसद में खड़े होकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसी बात कही, तो संसद लोगों के लिए है, लोगों की प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए है। संसद इस चीज के लिए नहीं है कि कौन क्या एक सवाल यहाँ पर राहुल गांधी ने खड़ा किया कि जब हम कुछ कहते हैं तो उसको ऑफ द लाइन कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, इस बात में बिल्कुल सच्चाई है। उनको दर्ज नहीं किया जाता, चाहे खड़गे साहब का बयान हो चाहे उनका है, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया गया। लेकिन एक बड़े पद पर बैठे नेता कुछ भी बोलते रहे तो उनका कहना है, उनका ये आरोप है सीधा कि उसको ऑफ द लाइन नहीं किया जाता। देखिए ये तो हमारे सामने है, अगर हम संसद का जो लाइव टीवी जो चलता है उसकी बात करें तो जिस दिन अडानी को लेके हमारे संसद में राहुल गांधी ने क्वेश्चन करे थे मोदी जी से, तो मोदी जी ने उनका जवाब भी नहीं दिया था जब उनका नेक्स्ट डेढ़ घंटे का भाषण हुआ था। उसके बीच में ही इन्होंने संसद का जो लाइव टीवी था उसमें वो जो उनका भाषण था राहुल गांधी का, जिसमें वो फोटोज दिखा के प्रूफ दिखा के क्वेश्चन पूछ रहे थे हमारे प्रधानमंत्री से, वो काट दिया गया था। और ऐसे ही उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका भाषण भी जो काट दिया गया। तो पहले भी एक बार राहुल गांधी ने कहा था कि जब भी संसद में वो विपक्ष के नेता होने के नाते, विपक्षी पार्टी होने के नाते सरकार की आलोचना करती हैं, कुछ बोलती हैं, तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। ये बिल्कुल ऐसा होता है। और दूसरी बात ये है कि ना तो ये जगह थी, ना ये नरेंद्र मोदी जी को शोभा देता था। और तीसरी बात ये है कि अगर हमारा देश है, लोकतंत्र है, तो संविधान के अनुसार चलता है, तो उसमें हम भेदभाव कर ही नहीं सकते किसी के साथ भी, ना वो जाति को लेकर। मतलब गंभीर सवालों के गंभीर जवाब होने चाहिए। आपको भी ये लगता है कि ये जो प्रक्रिया हो रही है और जो आरोप लग रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या इसी तरह से इसी कार्यकाल में ऐसा होता है या इससे पहले भी ऐसा होता रहा है, और क्या जो एक स्तर है उसको भी हमें नजरअंदाज नहीं करना होगा? जब हम एक प्रधान नेता के तौर पर बैठे होते हैं, हमारे शब्दों की अपनी एक गरिमा होती है और उसको आम जनमानस भी सुनता है, और आज तो लाइव टेलीकास्ट होता है, हर कोई सुनता है, तो उसके पटल पे ये जरूर जाता है कि हम किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं भारत में पिता का सरनेम लगाते हैं, शायद पीएम मोदी ये नहीं समझते। देश के प्रधान सेवक जब मन की बात करते हैं और बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं देश के लिए, वो चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो, तो देश सुनता है। जब प्रधान सेवक व्यापारियों से या देश के युवाओं से कुछ कहते हैं या परीक्षा में कुछ बात कहते हैं तो देश सुनता है। लेकिन किसी के निजी जीवन पर अगर प्रहार करें या कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो तो कौन कौन सुनता है, यह भी समझना होगा। चर्चा यही है कि राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि उनका अपमान किया गया है। हमेशा इस तरह का
इस तरह की बात कहना कि मूल सवालों से भटक जाना है आपको। जो सवाल गंभीर है, देश की जनता जानना चाहती है, उन सवालों का जवाब दिए बिना आप दूसरे रास्ते पर चले जाएं तो क्या यह सही है और किस तरह से इसे देखा जाए। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। विजय खैरा जी, बात यही है, महंगाई पर सवाल हुआ जवाब नहीं दिया, गरीबी पर सवाल हुआ जवाब नहीं हुआ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सवाल हुआ जवाब नहीं मिला, चीन के द्वारा की गई कब्जे की जमीन की बात हुई तो जवाब नहीं मिला। सारी बातों का जवाब क्या एक ही है, या नेहरू या गांधी या सरनेम? आपने जो प्रश्न किए हैं, अब मुझे दो मिनट का मौका दीजिए जवाब देने के लिए। जी, अभी आपने कहा महंगाई की बात की तो जवाब नहीं देते, जब आप भी दे चुके हैं महंगाई के ऊपर, बोल भी चुके हैं, बीसों आंकड़े भी दे चुके हैं, और लोकसभा में जब पहले सोनी की महंगाई के ऊपर तो कांग्रेस भाग गई वॉकआउट करके। अगर आप चाहें तो खोल के इतिहास पढ़ लीजिएगा, लोकसभा खुलवा लीजिएगा, टीवी पे आप अपना पुराना रिकॉर्ड देख लीजिएगा, ये लोग महंगाई के दिन वॉकआउट करके भाग लिए थे, पहली बात। दूसरा, आपके पास महंगाई मुद्दा है तो उठाइए ना, जाइए ना जनता में। हम तो कह रहे हैं आपको, विपक्ष का काम ही यही है, आपको लगता है बेरोजगारी है तो जाइए ना जनता के ऊपर। नहीं जाएंगे आप, क्योंकि आपको पता है हमारे पास अच्छे अच्छे जवाब है, क्यों क्या है कहाँ है, हम हजारों नहीं, वो तो कहते हैं कि आप घबराते हैं और अच्छा। प्रधान सेवक जवाब नहीं देना चाहते हैं, अगर कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था उन शब्दों पर ही सदन में रोक लगा दी जाती है लिस्ट बना के, बाहर कोई कहते हैं तो लाठीचार्ज कर दिया जाता है, सदन में के बाहर बैठते हैं तो कह दिया जाता है भाई यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं होगा, कहाँ आवाज उठाए वो। दूसरी बात, अभी आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, एक मिनट ध्यान से सुन लीजिएगा, आप मुझे ये बताइए, इन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी अपने साथ अडानी को लेके जाते हैं हवाई जहाज, इन्होंने ये कहा जिस देश में वो उनको साथ ले जाते हैं उस देश में फिर उनको ठेके और काम मिल जाता है, ऐसा झूठ। अरे आप ये बोलो कि प्रधानमंत्री जी इस दिन इस हवाई जहाज से अडानी जी को ले गए थे, इस देश में इन्होंने उस प्रधानमंत्री से मिलवाया था और उसके बाद वहां जहाँ ठेका लेके आ गए थे, तो नहीं है वे कहना कि प्रधानमंत्री ऐसा, डिबेट उस चीज पर है ही नहीं, प्रधानमंत्री क्यों है, उस पर तो हम कई बार बहस कर चुके हैं, बात तो इस बात की है। आप मेरी, मैं आपके, आज मैं आपके इसी टीवी में बैठ के आप पर चार्ज लगाता हूँ, हाँ। इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, एक सेकंड, क्या इंक्वायरी हो जाए, शुरू हो जानी चाहिए, हम प्रमाण देंगे ना कि साहब देखिए आपने इस दिन ये किया था, ये था, ये बात थी, तब सवाल उठता है ना। नहीं नहीं ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ। रत्नाकर जी, हाँ कुछ रत्नाकर जी पूछना चाह रहा आपसे। जी 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 खैरा जी, कितनी बार और कहाँ कहाँ प्रमाण मांगेंगे आप? श्रीलंका में सार्वजनिक सुनवाई के दौरान कहा गया है कि वहाँ पे जो बंदरगाह का आवंटन के लिए, अगर ये संक्षेप में कहिए ताकि हम बनाया था, वीडियो उस व्यक्ति का वीडियो गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अरे प्रधानमंत्री कब उन्हें हवाई जहाज से लेके किससे मिलवाया, बात पे आइए, सुनो तो महाराज, मिल रहा है तो इज्जत की बात सुन लेते हैं, खैरा साहब सुन लेते हैं, सुनो तो आप नहीं सर, तो जो बात क्यों घुमा रहे हैं ना, पूरी बोलो, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, खिसियानी बिल्ली खिसियानी नहीं, खिसिया आप गए हैं, नहीं नहीं, एक अरब डॉलर खिसियानी, ये बल्कि पगला गए, जब विजिट करके आए प्रधानमंत्री जी तो एक अरब डॉलर के लोन नहीं दिलाया था क्या, जरा बता दीजिए, बता दीजिए, नीति आयोग ने सुन लीजिए, नीति आयोग ने ऑब्जेक्शन किया था कि नहीं, ये अनुभव नहीं था, पोर्ट पोर्ट अरे एयरपोर्ट का पेपर लेना था, कोई अनुभव नहीं था, नीति आयोग ने ऑब्जेक्शन किया कि आप बिडिंग नहीं कर सकते, उस ऑब्जेक्शन को दरकिनार करने के बावजूद भी अडानी को एयरपोर्ट किया गया, चाहिए हार गए ना, अरे रुक जाइए, सुन लीजिए, सुनिए ठीक है ठीक है, रत्नाकर जी एक मिनट, अमनप्रीत जी चलते चलते 30 सेकंड में जवाब आपसे चाहेंगे, मैं सही तस्वीर क्या, समय समाप्त हो गया, रत्नाकर जी समय समाप्त हो गया, अमनप्रीत जी चलते चलते सही क्या, 10 सेकंड, सही तो यही है कि सांसद जिसका एक दिन का चलने का करोड़ों का खर्चा होता है, अगर हम एक पीएम की बात करें तो 20 वो जो विदेश यात्राएं हैं इन्हीं खर्चे पे कर सकता है, और एक राष्ट्रपति अगर चाहे तो 6 विदेश यात्राएं इसी खर्चे में कर सकता है, तो ये जो टैक्स पेयर का पैसा है, लोगों का पैसा है, इसका
जो इसका इस्तेमाल अच्छी चीज के लिए होना चाहिए, ना कि इस चीज के लिए कि वहाँ पे खड़े होकर प्रधानमंत्री हमारे देश के ये डिस्कस करेंगे कि किसको क्या सर्विस लगा रहे हैं। ठीक है रत्नाकर जी, जल्दी से अपनी बात रख दीजिए जी। देखिए जिस प्रकार संसद से राहुल गांधी जी का और हमारे अध्यक्ष जी का रिकॉर्ड हटाया गया, मैं उससे एक बात कहना चाहूंगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, तो देश की जनता ये तो आप सारे मीडिया पे सवाल खड़े कर दिया, सारे मीडिया पे सवाल खड़ा कर दिया आपने। जनता भी हमारी है, गरीब भी हमारा, जनता भी हमारी, वो ठीक है, आपके अपनी चीजें हो सकती हैं, पांचों उंगलियां बराबर भी नहीं होती, पांचों उंगलियां बराबर भी नहीं होती है, एक हमाम में नेता एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अक्सर मूल विषय से भटक जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खैर रत्नाकर जी कह रहे हैं हमने अपनी बात रखी है, समझ लिया हमने, वो एक शेर उन्होंने पढ़ा, एक बात रखने की कोशिश की, अंदाजे बयां उनका अपना था, लेकिन सवाल तो हम सबसे पूछ रहे हैं, कांग्रेस से भी पूछ रहे हैं, बीजेपी से भी पूछ रहे हैं, आप भी मूल सवाल से भटक रहे हैं, अपमान कहां है, चाहते क्या है, ये सारी चीजें सदन के पटल पर जनता तक पहुंचती हैं, और अगर वो सलीके से सही तरीके से बातों के जवाब नहीं मिलते हैं, सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, तो फिर जनता कहां जाए अगर लोकतंत्र के मंदिर में उसके जवाब नहीं मिलते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है ना, जवाब मिलने चाहिए, और बातों का एक स्तर है, बातें भी ऐसी होनी चाहिए जिसे विपक्ष सुने तो उसे जवाब मिले, उसे भी राहत हो कि हाँ हमारी बातों का कुछ तो जवाब दिया गया, लेकिन इस तरह से घुमाना फिराना लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। तो पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।